बात करते हैं अगली खबर की जो चीनी से है। बता दें सरकार ने देश में चीनी की उपलब्धता और कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन तक चीनी का निर्यात को सीमित कर दिया है। वहीं ये फैसला दुनिया में चीनी संकट के बीच देश में खुदरा कीमतों पर काबू पाने के लिए किया गया है। बता दें सरकार ने विशेष परिस्थिति में जून से अक्टूबर तक निर्यात की अनुमति दी है। वहीं सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 1 जून से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक निर्यात पर अंकुश प्रभावी रहेगा। इस दौरान निर्यात के लिए खाद्य और सार्वजनिक विपणन विभाग निर्देशालय की विशेष अनुमति लेनी होगी। वहीं खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उचित समय पर और ऐतिहासिक फैसला किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य वस्तुओं के मुकाबले चीनी की कीमत ज्यादा स्थिर है, फिर भी अफवाहों और अनुचित मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस साल ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। इस साल निर्यात में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2016-17 के करीब 50,000 मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। वहीं पांडे ने कहा कि चीनी के निर्यात पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि इसको सीमित किया गया है। इस साल अब तक का सबसे ज्यादा 90 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात का ये करार हुआ है, जिसमें से 82 लाख मीट्रिक टन का निर्यात हो चुका है। मील से चीनी की कीमत अभी 32 से 33 रुपए प्रति किलो है। वहीं देश के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से चीनी की खुदरा कीमत 36 से 44 रुपए प्रति किलो है। इस साल देश में चीनी की थोक कीमत 3,150 रुपए से ये 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर कायम है। वहीं बता दें चीनी की खुदरा कीमतों में पिछले एक साल में 1.36 रुपए की तेजी देखने को मिली है। वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले चीनी की खुदरा कीमत 40.39 रुपए प्रति किलो थी। यह 25 मई 2022 को बढ़कर 41.75 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इस बीच चीनी के दाम लगातार बढ़े हैं। वहीं एक महीने पहले इसकी कीमत 41.28 रुपए और एक सप्ताह पहले ये 41.64 रुपए प्रति किलोग्राम पे थी। तो ये थी बात चीनी के निर्यात की कि ये 31 अक्टूबर 2022 तक इसको सीमित कर दिया गया है। तो ये थी बड़ी खबरें, और आज और बड़ी खबरों के लिए अभी आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।